नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 18 जून से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तमाम सियासी जितने नेता हैं, सियासी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सभी ने तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। उम्मीद है जल्द ही चेहरे सामने आएंगे। तो कौन होंगे वो चेहरे, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। 25 जून आखिरी तारीख है, कल 20 जून हो जाएगा। लगभग 4-5 दिनों का समय बाकी है। क्या लग रहा है, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कौन से वो सिपाही हैं जो अब अपने दल की तरफ से उतरेंगे मैदान में? कांग्रेस भी है आलोक, कांग्रेस भी है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 25 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन मुझे लगता है, देखिए सियासत की जो लॉबिंग है वो चरम पर है। नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच, सीधी पहुंच कम होती है। नीतीश कुमार जिसे सोचते हैं उन्हें ही बुलावा भेजते हैं। लेकिन राजद में देखिए, अधिकृत कर दिए गए हैं लालू यादव। राजद में 3 शक्तियां हैं, लालू यादव जो रांची में बैठे हैं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तीनों की अपनी पसंद है और उनके 20 से 3 नाम तय होने हैं। चुनाव 9 सीटों के लिए हो रहा है और इनमें एमएलए वोटर होते हैं। देखिए इसके साथ ही 12 विधान परिषद की 12 सीटें मनोनयन के माध्यम से भरी जानी है, राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होना है। और खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो यदि 12 सीटें मनोनयन वाली भरी जाती है तो उनमें 7 सीटें जदयू को मिलेगी और 5 सीटें भाजपा को मिलेगी। तो देखिए चुनाव का साल है और लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों में संदेश देने के लिए ये नामांकन की सीटें भी भरी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है जितना हम समझ पाते हैं राजनीतिक संभावनाओं को या नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं कि नीतीश कुमार 12 की 12 सीटें तो एक साथ नहीं भरेंगे, राजनीतिक संभावनाओं के लिए, राजनीतिक चुनौतियों के लिए कुछ सीटें खाली रखेंगे। नहीं, तो इस वक्त बात हो रही है जब 9 सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए 9 सीटों की बात करना आप चाह रहे हैं तो देखिए हम 9 सीटों की बात कर लेते हैं। ये आपको पता है कि 3 सीट मिलेगी राजद को जो विशुद्ध मुनाफा है, और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, 3 सीट जदयू को और 2 सीट भाजपा को, जिसमें से भाजपा या एनडीए कह सके सीटें कुछ कट रही हैं। हाँ नहीं, नुकसान हो रहा है ना। देखिए 2014 में भाजपा और जदयू की जितनी बड़ी ताकत थी अभी उतनी बड़ी ताकत नहीं है, इसलिए सीटें तो कम हुई है ना। और राजद और कांग्रेस की ताकत 2014 की तुलना में अधिक है। ठीक है, ये दो विपक्ष में है लेकिन ताकत अधिक है, तो अब विधायक ही वोटर है। तो आपने कहा कि अब कौन, देखिए सियासी अखाड़े में कूदने के लिए सब तैयार है। देखिए बहुत सारे चेहरों पर बात हो रही है। देखिए अभी हम संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं, और जब संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए राजद में एक कोई फारूक साहब की चर्चा चल रही है। देखिए राजद को 3 सीटें मिलनी है, यह बात स्पष्ट हो रही है कि राजद के भीतर जो आंतरिक फैसला है वो एक मुसलमान, एक राजपूत और एक अति पिछड़ा या फिर तेज प्रताप यादव। क्योंकि तेज प्रताप यादव के चुनाव को लेकर भी जो चुनौतियां हैं महुआ में, तो यह बात समझी जा रही है। तो अति पिछड़ा भेजा जाएगा कि तेज प्रताप यादव भेजे जाएंगे, यह फैसला होना है। लेकिन एक मुसलमान और एक राजपूत का जाना तय है। देखिए राज्यसभा के चुनाव में, हाँ, जैसे ए टू जेड की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि एबी सिंह के रूप में उन्होंने भूमियार को भेजा। तो ठीक है, इसी तरीके से यहां भी जो बात चल रही है कि एक मुसलमान एक राजपूत। देखिए मुसलमान में जब जावेद इकबाल अंसारी जो अभी अभी रिटायर हुए थे, जदयू के एमएलसी थे, वे जब आए तो कहा गया कि उन्हें ही विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन अब बात चल रही है कि जावेद इकबाल अंसारी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं बांका के किसी विधानसभा क्षेत्र से, और राजद के भीतर एक नाम जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहा है, कोई फारूक है या शेख है, मुंबई में रहते हैं और बिहार से ताल्लुकात है, रहने वाले बिहार के ही हैं लेकिन बिहार के लोग अभी बहुत जान नहीं रहे हैं। तो ये जो शेख हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके पास माल जाल बहुत है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जाता है कि शेख साहब के लिए जिनकी चर्चा चल रही है, यह सच है या सामने कितना आता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा यह बताया ये जा रहा है कि यह शेख साहब इतने माल जाल वाले हैं कि इनके लिए 5-7 ड्रम भी बहुत कुछ नहीं है। यदि ड्रम की बात करें तो ड्रम को लोग जो कूट की भाषा होती है, कोट की भाषा होती है, उसमें ड्रम का मतलब होता है करोड़। ठीक है ना। खैर, और अब राजपूत उम्मीदवार की बात कर ले तो उसमें देखिए कहा यह जा रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने पहले सुनील सिंह जो उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं और राजद के
सिपाही रहे हैं, मतलब सरकार से लड़ते हुए भी उनका नाम फाइनल कर रखा था, लेकिन अब जो नई परिस्थितियां हैं उसमें जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनका नाम भी चल पड़ा है। तो यह बात अब देखिए किसमें फाइनल होता है। तीसरी सीट के बारे में आपको हमने बताया है कि अति पिछड़ा या तेज प्रताप यादव। अब हम जदयू की बात कर ले, जदयू को भी 3 सीटें मिलनी है आलो। तो जदयू में अशोक चौधरी का जाना तय है, मंत्री है, इसमें कोई इफबट नहीं, उनको फिर से MLC बना ही जाएगा। अब जदयू दूसरी और तीसरी सीट पर कौन भेजता है, किसे भेजता है, यह बात जदयू क्या किसी मुसलमान को भेजेगा, हारून रशीद जो भी बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति थे क्या वे फिर जाएंगे, या मुसलमान कोई जा रहा है तो वह अंजुम आरा या कहकशा परवीन होंगी, यह बात भी देखी जानी है। देखिए कहकशा परवीन अभी राज्यसभा की मेंबर थी, रिटायर हुई हैं, उन्हें विराम दिया गया है, इसलिए उनकी दावेदारी उम्मीदवारी भी चल रही है। तीसरी सीट की बात अभी नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि वे सस्पेंस अंतिम तक बनाए रखते हैं, सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर। हाँ, तो तीसरी सीट के बारे में कहा जा रहा है कि किसी धानुक जाति के व्यक्ति को भी मौका मिल सकता है, और इसमें सोनीलाल मेहता का एक नाम चल रहा है। तो ये 3 सीटों की बात हो रही है, लेकिन लेकिन जब मनोनयन की बात होगी तो बाकी जो समाज है, बाकी जो वर्ग है या बाकी जो जातियां हैं उसे भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे, ताकि कोई वर्ग नाराज ना हो। ये राज्यपाल के कोटे से जो मनोनयन होगा उसमें बिहार सरकार नीतीश कुमार की सिफारिश पर उसमें चेहरे दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि आगे की तैयारियां हैं, मतलब 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी पहले से तैयारियां चल रही हैं। अब बात कर लें बीजेपी की। देखिए बीजेपी में ये हाल है कि बीजेपी में किसी, ये जो 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, जो चर्चा है उसमें किसी ब्राह्मण या भूमिहार को टिकट मिलता तो नहीं दिखता है, रिटायर भले हो रहे हैं। कारण यह है सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। तो 1 सीट पर राज्यसभा में पहले सतीश चंद्र दुबे को भेजा गया, दूसरी सीट पर अभी विवेक ठाकुर को भेजा गया। तो ब्राह्मण भूमिहार का कोटा, भाजपा कहता है कि जो सीटें हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें हमने पूरा करने का काम किया है। अब 2 सीटें हैं, संजय मयूख अमित शाह के बेहद करीबी, भाजपा के बहुत मजबूत सिपाही, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी, तो संजय मयूख का तो जाना तय है। अब संजय मयूख इन 9 सीटों पर जाते हैं चुनाव के माध्यम से या मनोनयन के, फैसला अभी ही हो जाना है। अब दूसरी सीट पर कौन, दूसरी सीट पर जो बात चल रही है, या फिर दोनों सीटों पर कह ले तो जनक चमार की भी बात चल रही है, जो चर्चा है। जनक चमार जो है गोपालगंज के पूर्व सांसद हैं, उन्हें 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, गोपालगंज की सीट जदयू के पास चली गई थी। और जो एक और नाम चल रहा है उसमें किसी कुशवाहा को, किसी कुशवाहा को फिट करना है। देखिए कुशवाहा यदि जदयू की ओर से चला गया तो फिर भाजपा की सूची से गायब हो सकता है, लेकिन भाजपा के भीतर से भी किसी कुशवाहा को टिकट देने की चर्चा चल रही है। संभाज चौधरी दिल्ली गए हैं, लेकिन पटना में सूरज नंदन कुशवाहा जो विधान पार्षद थे जिनकी असामयिक मौत हुई, पटना सिटी के हैं, उनकी पत्नी के नाम की भी चर्चा है आलो। तो अब कुल मिलाकर देखें तो इन सभी सीटों पर तो हमने देख लिया, अंततः जैसा कि आपने कांग्रेस की बात नहीं करी, मैं जैसा अपने टोकन में वही कर रहा हूं, कांग्रेस जी, कांग्रेस को 1 सीट पर भेजना है। देखिए कांग्रेस में बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, और कांग्रेस का दरबार मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष और अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के यहाँ लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में इतने भी बड़े लोग हैं जो सीधी पहुंच आलाकमान तक रखते हैं या अपने नाम को पहुंचा सकते हैं, तो कांग्रेस की लिस्ट बहुत लंबी है और आलाकमान को ही फैसला करना है। मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी फैसला करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल का चुनाव आज था, अब वे फ्री हो रहे हैं, गुजरात में उनका चुनाव था, इसके बाद सारी मंत्रणाएं शुरू होगी। देखिए बिहार के मसले में बहुत कुछ होना है, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होनी है कि क्या महागठबंधन जो अभी मौजूदा स्वरूप है उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी बातें फेस पर टकराव है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम विधान परिषद के चुनाव की ही बात कर रहे हैं, तो 9 सीटों को लेकर, और हमें लगता है कि 22 जून तक नाम स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे, उन्हें संदेश मिलना शुरू हो जाएगा जिन्हें नामजदगी का, नामांकन का पर्चा भरना है, बहुत चुपके से संदेश मिलेगा। और उसके बाद देखिए बीजेपी तो ट्वीट कर घोषणा कर देती है, जदयू भी अंतिम समय में जैसा आपने
बताया, हमें भी पता है कि बिल्कुल सस्पेंस फिल्म की तरह होगा। हाँ, राजद की बातें अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आरजेडी की बातें लीक हो जाती हैं। तो अब ये जो शेख साहब का नाम चल रहा है कोई बॉम्बे वाले का, तो अभी बिहार बहुत कुछ जानता नहीं है, अब कितना ड्रम इनके पास है हमें नहीं पता। देखिए, अब ये हम नहीं करें कि राजनीतिक सौदेबाजी हो रही है। देखिए, हर पार्टी चुनाव के समय अपने नफा नुकसान को देखती है और इसकी भी देखती है कि चुनाव की जो जरूरतों के जो इंतजाम किए जाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राजद ही करता है, जदयू ने भी किंग महेंद्र को भेजा, भाजपा ने भी आरके सिन्हा को भेजा, तो इंतजाम तो किए ही जाते हैं, तो ये परंपरा है। तो ये सब अब नाम खुले मिलाकर जो लबाब है इस विधान परिषद के 9 सीटों का, आपने समझा है, संभावनाएं बहुत चीज है, संभावनाएं ही सच हो जाए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात, आने वाले समय में संभावनाएं बदल भी सकती हैं, जैसा कि जदयू का हमने उदाहरण लिया है, सस्पेंस फिल्म के निदेशक माने जाते हैं नीतीश कुमार, अंत समय में क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे, देखते हैं, उम्मीद है जिसे कि आपने कहा कि 22 तारीख तक नाम उसके बाद तैयारियां भी करनी पड़ती है पर्चा दाखिल के लिए, बहुत वक्त नहीं लगता है, जिन्हें करना होता है वो तैयार रहते हैं। देखिए, तैयारियां भी हो जाएंगी तुरंत, आप तैयार रहें, लाइव स्ट्रीम देखते रहें। इस साल बहुत सारे पटाखे फूटने वाले हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, बहुत सारे दल के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि हम उनकी पार्टी से तोड़ लेंगे, पक्ष कह रहा है उनकी पार्टी से, विपक्ष कह रहा है उनकी पार्टी से, कौन कहाँ टूट जाता है। खबरों का पटाखा सबसे पहले लाइव स्ट्रीम भी फोड़ेगा, फोड़ता रहेगा, लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।